Hello student, first of all good afternoon to everyone. You are most welcome once again for the new lecture. Today you are about to learn very excellent amazing topic for board exam student. Our new topic is typical sentence of active and passive voice. Board exam ke student ke liye बड़ा सुपर डुपर रहने वाला है आज का वीडियो लेक्चर। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस पर आते हैं। समवन हैड टेकन माय पेन, किसी ने मेरा पेन ले लिया है। इन दिस सेंटेंस माय पेन इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। माय पेन हैड बीन टेकन। जब कोई सेंटेंस समवन समबड़ी एवरीबडी इस तरह के वर्ड से शुरू होता है तो ऐसे सेंटेंस में थर्ड फॉर्म पर ही पैसिव वॉइस फिनिश हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। समवन है टेकन माय पेन, किसने मेरा पेन ले लिया है। माय पेन हैड बीन टेकन, मेरा पेन ले लिया गया है। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बड़े सुपर डुपर सेंटेंस, टिपिकल सेंटेंस। सेंटेंस नंबर टू देखते हैं। इट इज टाइम टू रीड बुक्स, इट से शुरू होने वाला वाक्य। समय है पुस्तकें पढ़ने का, यहां पर बुक्स ऑब्जेक्ट है लेकिन यहां बुक से सेंटेंस शुरू होने वाला नहीं है। जब कोई सेंटेंस इट से शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस भी इट से ही शुरू होता है। जैसे इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी रेड, इस सेंटेंस को आपको एक बार फिर देखना है। इट इज टाइम टू रीड बुक्स, समय है पुस्तक पढ़ने का, इसे पैसिव में कहेंगे। इट इज टाइम फॉर द बुक्स, ऐसे सेंटेंस फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर द बुक्स टू बी रेड। टुडे यू आर लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस फॉर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, टिपिकल सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। आप देख लेते हैं। डू यू नो धोनी, इट मीन्स क्या तुम धोनी को जानते हो। जब कोई सेंटेंस के सेंटेंस में नो वर्ब आया है, नो भी जानना, तो देखते हैं उसकी पैसिव किस तरह बनती है। बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिख रहा था और बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट टिपिकल सेंटेंस, जिस सेंटेंस में नो शब्द आया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, टू से शुरू हुआ है। इज धोनी नॉन टू यू, ऐसे सेंटेंस बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। इज धोनी नॉन टू यू। अब वन मोर सेंटेंस बताने वाला आपको, कैन मॉडल्स वाला सेंटेंस, जिस सेंटेंस में कैन मॉडल आया है। जैसे आई कैन डू इट, यहां पर इट ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल का प्रयोग किया गया है तो यहां सब्जेक्ट के स्थान पर लिखाएंगे इट को। इट कैन बी डन By me। यदि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश कंपटीशन तैयार कर रहे हैं या आप इंग्लिश से किसी भी फॉर्मेट के लिए हमारे अपने चैनल स्पोकन जलालाबाद और लर्न इंग्लिश विद आदेश समास्तर को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, पहला कदम दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ वेरी नाइस डे।